हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं हूं मनीष मिश्रा एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7. इन गाइस टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी दैट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट डॉल्फिन. ओके सो डू वॉच द कम्प्लीट सेशन एंड स्प्रेड द नॉलेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन विच इज अबाउट द फ्लाई ऐश पार्टिकल्स. So these particles, guys, are toxic air pollutants which are transported from the combustion chamber by exhaust gases. So NTPC recently has developed an infrastructure to transport this fly ash from dash to dash in bulk at a cheaper cost. Okay. So NTPC ने एक infrastructure develop किया है ताकि इस fly ash को एक जगह से दूसरी जगह cheaper cost में transport किया जा सके in bulk. Okay. So now let us discuss about this fly ash transportation infrastructure which was set up by NTPC. And to transport this fly ash from power plants in bulk to the cement plants. Okay. And guys, why in cement plants में ही क्यों? इसका reason ये है कि जो fly ash होता है वो cements की जो durability होता है और जो उसकी workability होता है उसको enhance करता है and also जो उसके अंदर पानी की demand होती है उसको decrease कर देता है. Decrease water demand in the cements. इसलिए fly ash जो है वो cement factory के लिए या cement के लिए काफी ज्यादा beneficial होता है. And for transportation of the fly ash from power plants in bulk to cement plants, this fly ash transportation infrastructure has been recently developed by NTPC. Okay, and this move, this infrastructure will pave the way for efficient and environment friendly transportation. And this is also in line with the NTPC's commitment towards 100% utilization of fly ash from power plants. NTPC का commitment है कि वो जल्द से जल्द 100% utilize करेगा उस fly ash को जो कि power plant से release होता है. And लेकिन जो अभी का हमारा जो यूटिलाइजेशन है दैट इज ओनली व्हाट 63%. अभी जो हमारा यूटिलाइज कर पाते हैं फ्लाई ऐश दैट इज 63%, बट एनटीपीसी विल इंक्रीज इट टू 100% इन नियर फ्यूचर. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस द फ्लाई ऐश. सो फ्लाई ऐश होता क्या है? सो गाइस इट इज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट. अगर कभी कोल का कंबशन होता है फ्रॉम द कंबशनर कोल, उसमें से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं गाइस? फ्लाई ऐश बोलते हैं. एंड इट इज नोन एज फ्लाई ऐश because it is transported from the combustion chamber by the exhaust gases. And ये जो fly ash होता है इसका chemical composition depends upon the source of the coal. जो coal है उसका source क्या है या फिर किस तरीके का वो coal है उसके ऊपर depend करेगा fly ash का chemical composition. But in all the fly ash, three things are common. One is silicon dioxide, one is aluminium oxide and one is calcium oxide. These three things are common in all the types of fly ash. और बाकी जो और केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द सोर्स ऑफ कोल एंड किस तरीके का कोल जो है वो जल रहा है. ओके, दिस फ्लाई ऐश इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, रोड बेस, मेटल रिकवरी एंड मिनरल फिलर अमंग अदर्स. एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स? सो गाइस फ्लाई ऐश इज अ वेरी टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट एंड कैन कॉज हार्ट डिजीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड स्ट्रोक. और ये मेटल्स हैवी मेटल्स का लीचिंग भी कर सकते हैं इन ग्राउंड वाटर एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रूट डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ ट्री. सो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आर एनवायरनमेंट एंड फॉर ऑल ऑफ अस. सो वी हैव टू कंट्रोल दिस एंड फॉर दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड बाय एनटीपीसी. एंड इफ यू टॉक अबाउट एनटीपीसी, सो इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1975 एंड इन द ईयर 2010 इट वॉज मेड द महारत्न कंपनी एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट प्रोवाइड्स reliable power and related solutions in an economical, efficient and environment friendly manner. And jo currently iske chair CMD hain, that is Mr. Gurdeep Singh. Mr. Gurdeep Singh is the current CMD of NTPC. Okay, and now let's move on to the question guys. So the correct answer should be what? Option C, from power plants to cement plants. Okay, so this infrastructure will transport fly ash from power plants to cement plants in bulk at a cheaper cost. And now let's move on to question number 2, which is about the committee that was set up by the government of India to reconsider the age of marriage of girls. So early pregnancy is associated with increased child mortality rates and affects the health of the mother. Thus there is a need to focus on a mother's health and readiness to carry a child. For the same perspective, central government has set up a committee to reconsider the minimum age of marriage for women. So the question is, what is not correct about the link between age of marriage and nutrition? जो शादी की उम्र होती है और जो nutrition होता है उसके बीच में जो link होता है उसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑलराइट, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो अबाउट दैट. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस. सो दिस वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी टू रिकंसीडर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन विच इज करेंटली 18. अभी की जो उम्र है वो है 18, इसको रिकंसीडर किया जाएगा.
एंड ये जो कमेटी सेटअप की गई थी गाइस, दिस वाज प्रपोज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बजट एंड ऑन 2nd जून 2020 इट वाज सेटअप बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विच इज हेडेड बाय स्मृति ईरानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी इन उत्तर प्रदेश. एंड दिस कमेटी गाइज इज हेडेड बाय मिस जया जेटली इज द चीफ ऑफ दिस कमेटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. एंड वॉट अबाउट द टास्क, इस कमेटी के अगर हम टास्क की बात करें, सो दिस कमेटी विल एग्जामिन द कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड विद हेल्थ, मेडिकल वेलबींग एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर एंड न्यूनेट इन्फेंट और चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बर्थ एंड देयर आफ्टर. बेसिकली जो शादी की उम्र होती है और जो मदरहुड होती है उसका जो कोरिलेशन होता है हेल्थ के साथ, मेडिकल वेलबींग के साथ, जो मदर है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ या जो चाइल्ड है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बर्थ एंड उसके बाद, इन सभी चीजों को एग्जामिन करेगा ये कमेटी. एंड इट विल ऑल्सो लुक एट द की पैरामीटर्स लाइक IMR, MMR, TFR, SRB एंड CSR. इसके बारे में गाइज आई होप आप सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो हमने कई सारी वीडियोज में इन सबको डिस्कस कर रखा है. ओके, एंड इट विल एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम करंट 18 years to 21 years. जो मैरिज है उसको 21 years करने का प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड गाइज देर इज अ स्टडी दैट वॉज कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट टू शो द लिंक बिटवीन द एज ऑफ मैरिज एंड न्यूट्रिशन. एंड दिस रिपोर्ट शोज दैट द चिल्ड्रन बॉर्न टू एडोलेसेंट मदर्स, दैट इज द मदर्स ऑफ एज 10 टू 19 years, आर मोर स्टंटेड. ऐसे बच्चे जो कि एडोलेसेंट मदर से पैदा होते हैं वो ज्यादा स्टंटेड होते हैं एंड लो वेटेड होते हैं देन दोज बॉर्न टू द एडल्ट मदर्स जिनकी उम्र 20 साल या फिर उससे ज्यादा है. सो दिस रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट इंक्रीजिंग द एज एट फर्स्ट मैरिज, एज एट फर्स्ट बर्थ एंड गर्ल्स एजुकेशन आर ए प्रॉमिसिंग अप्रोच टू इम्प्रूव मेटर्नल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन. सो गाइज जो महिलाओं की उम्र होती है उसके हिसाब से उनको माँ बनने की जो उम्र होती है उसको एज ऑफ मैरिज और न्यूट्रिशन के बीच में एक लिंक है और उस लिंक को ध्यान में रखते हुए ही हमें शादी की उम्र को डिसाइड करना पड़ेगा. बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए जोर जबरदस्ती की जाती है जिसकी वजह उनके हेल्थ का ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है उसके हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है और जो मदर होती है उसके हेल्थ पे भी काफी इफेक्ट रहता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एज ऑफ द मैरिज, सो अगर आज भी हमारे देश में जो एज है वो 18 साल है, बट देर आर वेरियस प्लेसेस इन आर कंट्री इटसेल्फ जहां पे अभी भी 18 साल की कम उम्र की महिलाओं की शादी कर दी जाती है, लड़कियों की शादी कर दी जाती है. सो भले ही सरकार जो है जितने मर्जी लॉ बना ले, जितने मर्जी कानून बना ले, बट हमें अपने अंदर के मॉरल को, अपने अंदर के एथिक्स को जगाना होगा, देन ओनली वी कैन, तभी हमारा जो देश है वो एक अच्छी, एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेगा. बिकॉज ये सारी जो सोशल चीजें हैं ये काफी ज्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, इनको एलिमिनेट करना, तभी हमारी जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो पाएगा, एम्पावरमेंट हो पाएगा. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइज द प्रेजेंट एज फॉर मैरिज, सो द अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, जो महिलाओं की उम्र है शादी की दैट इज 18 ईयर्स एंड जो पुरुषों की है दैट इज 21 ईयर्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द मिनिमम एज फॉर वुमेन इट इज 18 एंड मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मेन इट इज 21 ईयर्स. ओके, सो गाइस दिस वाज अबाउट दिस न्यूज एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लिंक बिटवीन द एज ऑफ मैरिज एंड न्यूट्रिशन. चिल्ड्रन बॉर्न टू एडोलेसेंट मदर्स आर मोर स्टंटेड, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चिल्ड्रन बॉर्न टू एडोलेसेंट मदर्स आर लो वेटेड, यस. इंक्रीजिंग एज एट फर्स्ट मैरिज विल प्रूव मैटरनल न्यूट्रिशन, यस. गर्ल्स एजुकेशन इज अ प्रॉमिसिंग अप्रोच टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, ऑफकोर्स. एंड चाइल्ड बॉर्न टू एडल्ट मदर्स आर मोर स्टंटेड, नो. This is incorrect. Adult mothers से जो child born होते हैं that are comparatively less stunted and lower weighted than those which are born to the adolescent mothers. So option E will be the correct answer. And question 3, आप सबको इसका answer पता है that this committee has been headed by Ms. Jaya Jaitley. Jaya Jaitley is the chief of this committee which was set up to reconsider the minimum age of marriage for women. And now let's move on to the question number 4 which is about the Project Dolphin. So recently Ministry of Environment, Forest and Climate Change will launch Project Dolphin in the next 15 days for the conservation and protection of the dolphins in the river Ganga and in oceans of the country. So these are the statements and we have to find the incorrect statement about the characteristics of the dolphin. Okay, जो हमारा जो गंगा डॉल्फिन है, गैंजिस डॉल्फिन है, उसके बारे में उसकी कुछ characteristics से related ये statements हैं and we have to find the incorrect one. Okay. So guys, Project Dolphin was announced by the Ministry of
Environment, Forest and Climate Change, and this project will launch in the next 15 days. And this has been launched for the conservation and protection of the dolphins in the river Ganga and in the oceans of the country. Okay. And if you talk about, guys, the dolphin status in India, so though jo hamara Ganges River hai, that is a species of fresh water. Ye yaad rakhenge ki jo Ganga River, Ganga dolphin hota hai, wo keval fresh water mein milta hai, and it is primarily found in the Ganga and Brahmaputra rivers and their tributaries in India, as well as in Bangladesh and Nepal, ye bhi mein bhi ye paaye jaate hain. Okay. And in India, they are distributed across 7 states in Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Jharkhand and West Bengal. And जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स है वर डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वाटिक स्पीशीज इन द ईयर 2010 एंड एज पर द ऑफिशियल फिगर्स देर आर अबाउट 3700 गंगा डॉल्फिन्स इन द इंडियन रिवर सिस्टम्स. ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सो इट विल डेफिनेटली बूस्ट गिव बूस्ट टू बायोडाइवर्सिटी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई कंजर्वेशन सेंटर लॉन्च होता है, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी एनहांसमेंट होगा. It will be a center of attraction for the tourism and it will also allow sustainable fishery and river based other livelihood options through scientifically oriented conservation method. Because जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई conservation center बनेगा तो वहाँ पे scientifically oriented conservation method का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि बहुत तरीके के other livelihood options generate होंगे. Okay. And this person is Mr. Prakash Javadekar, the Minister of Environment, Forest and Climate Change. And now let's move on to the question, guys. So these are the characteristics of Ganges dolphin. We have to find the incorrect. So it is a species of freshwater dolphins primarily found in Ganga and Brahmaputra. Yes. And also in Bangladesh and Nepal. And Ganga river dolphins were declared national aquatic species in 2010. Yes. And there are about 3,700 Ganga dolphins in the Indian river system. So guys, all of the statements are absolutely correct. So therefore, the correct answer will be what? Option D. And now guys, let's move on to the question number 5, which is the last question for today. So recently, Ministry of Tribal Affairs, which is headed by Mr. Arjun Munda, his Lok Sabha constituency is Khunti in Jharkhand. So guys, I hope aap sabko almost ministers jo hai unki jo Lok Sabha constituency hai wo yaad ho gayi hogi, and jo ministry hai wo bhi yaad hai hogi, because main har session mein jo bhi related ministers hote hain unki constituency hai wo zarur batata hu. So recently, Ministry of Tribal Affairs ne ek bahut sari initiative launch kiya hai. He has launched a series of initiatives. So the question is, which combination of initiative with its purpose is not truly matched? Inme se kaun sa initiative aur uska purpose correctly matched nahi hai? Okay. So guys, these are the initiatives. So recently, 4 initiatives have been launched by Ministry of Tribal Affairs. The number one is e-portal Swasthya. The portal name is Swasthya. This portal will provide all the health and nutritional related information of the tribal population of India. हमारे देश की जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ये वाला पोर्टल. एंड इट विल आल्सो क्यूरेट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, रिसर्च ब्रीफ्स, केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा गाइज, एक ई न्यूज लेटर है जिसका नाम है आलेख, विच विल बी अ क्वार्टरली न्यूज पेपर टू शो केस द वर्क ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड एनकरेज टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स सक्सेसेस एंड फेलियर्स. And there is one national overseas portal which has been there for providing greater transparency and easy information to the ST students for overseas scholarship. Jitni bhi overseas scholarship hai, usse related easy information provide karna ST students ko, and for greater transparency, this portal has been launched. And there is one more portal jiska naam hai National Tribal Fellowship Portal. This is also for greater transparency and easy information to the ST student for the national level scholarships. Okay, so these are the 4 new initiatives that have been launched by Ministry of Tribal Affairs. And now let's move on to the question. So e-portal Swasthya, providing all health and nutritional related information of the tribal population. Yes, this is absolutely correct. E-newsletter Alekh, organized by local tribals to provide updates of the tribal development. No, aisa kuch nahi hai. Isme ye quarterly newspaper hoga jisme jitne bhi stakeholders honge unke kamon ki charcha hogi aur ek dusre ke successes aur failures honge. And National Overseas Portal for greater transparency and easy information to the ST students. Yes, this is absolutely correct. So, jo 2 hai hamara incorrect and 1 and 3 are correct. So, option B will be the correct answer. And that's it for the session, guys. I hope you like it. Agar aapko koi doubts hai, to please comment section mein zarur poche. And aapko is session kaisa laga, comment karke zarur bataye. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.